अक्सर हमें इंस्टेंटली धनिया और पुदीना चाहिए होता है और चाहिए भी हमें फ्रेश हालत में होता है। सो जैसा कि बड़ी ईद भी आ रही है, रायता बनाना होता है, मिंट मार्गरेटा बना सकते हैं और भी डिफरेंट रेसिपीज़ में हम पुदीना यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम 2 माह के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल फ्रेश हालत में, फ्रेश कंडीशन में रहेगा लास्ट तक। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसको 2 मंथ्स के लिए फ्रिज में कैसे स्टोर कर सकते हैं। सो वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी मरियम और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मरियम। तो चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम धनिया या पुदीना मार्केट से मंगवाते हैं तो उस पर एक नोट लगा होता है, सबसे पहले इसको रिमूव कर देना होता है। अगर हमने स्टोर नहीं भी करना तो लाकर हम इस तरह रख देते हैं और इस नोट की वजह से यहाँ से ही जो है वो ग्रीन वेजेस ख़राब होना स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले नोट रिमूव करके इसको मैं खोल दूँगी और इसको थोड़ी सी हवा लगने देंगे। अब या तो आप इसको डंडियों समेत भी स्टोर कर सकते हैं, बट मैं पुदीने के लीव्स को स्टोर करूँगी, सिर्फ पत्तों को स्टोर करूँगी। मुझे बहुत इंस्टेंटली पुदीना चाहिए होता है तो मैं बिल्कुल जो है वो इसके पत्ते उतार के इनको इसी फॉर्म में स्टोर करूँगी। तो सबसे पहले हमने तमाम पुदीने के जो है वो पत्ते रिमूव कर लेने हैं। अगर आप डंडियों समेत इसको स्टोर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में इस तरह हम लीव्स को यूज़ कर सकते हैं, सैलड्स में रायता बना सकते हैं और इंस्टेंटली हमें समटाइम्स गार्निशिंग करनी होती है डिफरेंट कढ़ाई सालन वगैरह की, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रह जाता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, और पुदीने के लीव्स उतारने के लिए एक और मेथड मैं आपको बताऊँगी छोटा सा। उल्टी साइड से इसको ओपोजिट साइड से इस तरह जब तमाम पत्तों को पकड़ के खींचेंगे तो आराम से उतर जाएंगे, एक एक पत्ता करके हमें नहीं उतारना पड़ेगा, फर्स्ट लीव को छोड़ के और आगे से इस तरह से ओपोजिट उतारेंगे और आराम से सारे निकल आएंगे और फर्स्ट वाले को हम सेपरेटली बाद में उतार लेंगे। सो इस तरह से जल्दी जल्दी जो है वो सारे पत्ते हमने अलग कर लिए हैं। अब इसमें से हम ख़राब वाले पत्ते, सड़े हुए पत्ते, जले हुए, वो निकाल लेंगे सेपरेटली। शुरू में जो है वो हम सारे निकालेंगे लेकिन लास्ट तक आपने चेक रखना है, जैसे जैसे आपको कोई नज़र आए आपने उसको फ़ौरन निकाल लेना है, क्योंकि 1-2 लीव्स की वजह से फिर बाकी भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब हम एक खुला बर्तन लेंगे, उसमें हम पानी ले लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी जो है इससे क्या होगा, मिंट लीव्स का कलर बहुत फ्रेश और बहुत खूबसूरत रहेगा एंड तक, और वैसे भी एंटीबैक्टीरियल है इसमें, जो भी मिट्टी डस्ट वगैरह जर्म्स वगैरह सब जो है वो रिमूव हो जाएंगे, उसका कलर बहुत प्यारा रहेगा। इसके बाद इस पानी में हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए डिप करके अच्छी तरह डस्ट रिमूव कर लेंगे और ये सारा सॉफ्ट हैंडेड करना है, बिल्कुल नरम हाथों से, ज़ोर ज़ोर से पत्तों को नहीं दबाना, वो टूट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद इनको मैंने खुले पानी से वॉश कर लिया था टैप के नीचे अच्छी तरह से 3-4 पानी निकाल के, और अब इसको हम किचन टॉवल पे, साफ़ सुथरे टॉवल पे फैला देंगे और इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद ये लीव्स जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे तो इनको हम स्टोर कर लेंगे। इनको किस तरह स्टोर करना है, किस बर्तन में करना है, ये सब कुछ आपसे मैं शेयर करूँगी। टॉवल में फैलाते वक्त आपने इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो आराम से टॉवल को फोल्ड करके ऊपर वाला जो मॉइस्चर है वो इसमें से क्लीन कर लेना है, ताकि इनको ड्राई होने में कम टाइम लगे, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इट्स ओके, इसको 1 से 2 घंटे के लिए आप छोड़ दें। इस तरह से देखें ये सारे जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे। जब हमने लीव्स को फैला लिया है तब भी हम चेक करेंगे इनमें से कोई ख़राब है या कुछ डैमेज है, तो उनको भी हम साथ साथ रिमूव करते जाएँगे। सो तमाम पत्ते जो हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं, अब हम इनको स्टोर कर लेंगे। एक बॉक्स लूँगी मैं और उसमें आपने किचन टॉवल जो है वो डबल करके सबसे पहले नीचे बॉटम में बिछा देना है। ये टिश्यू पेपर से थोड़ा मोटा होता है, हम यही यूज़ करेंगे, टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करेंगे। इसकी डबल लेयर बनाकर इसको नीचे फैला दूँगी और इसके ऊपर एक और सिंगल लेयर लगा कर इसका एक मोटी सी तह बना लेंगे। इसके ऊपर अब हम अपने लीव्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, बड़े बॉक्स में भी कर सकते हैं, छोटे में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको कितने चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए। और अब इसके ऊपर भी जो है वो किचन टॉवल की डबल लेयर लगाऊंगी मैं, और उसके बाद फिर सिंगल लेयर लगा कर इसकी ऊपर वाली तह को भी हम मोटा सा करके जो है वो कवर कर देंगे। इस तरीके से कवर करने के बाद फाइनली इसको मैं क्लिंग पेपर से जो है वो ऊपर से रैप कर दूंगी, ताकि किसी भी किस्म का मॉइस्चर, किसी भी किस्म का पानी फ्रिज में से इसके अंदर ना जाए। और फाइनली अब हम इसको इसके लिड से जो है वो कवर कर देंगे और ये हो गया हमारा पुदीना स्टोर।
टू मंथ्स के लिए ये इतना ही फ्रेश, इतना ही प्यारा और इसकी इतनी ही ज़बरदस्त खुशबू रहेगी और इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दरमियान में अगर आपको कभी वन वीक या डेढ़ वीक के बाद लगे कि ये थोड़ा सा मॉइस्चर इसका हो रहा है तो आप इसका टिशू पेपर जो है, किचन टॉवल जो है, वो इसको चेंज कर सकते हैं और इसको दोबारा से रीन्यू कर सकते हैं। इसी तरह से आप धनिया भी स्टोर कर सकते हैं। मैं धनिया ऑलरेडी कर चुकी हूँ इसलिए मैंने आपको सिर्फ पुदीना दिखाया है। धनिया जो है वो डंडियों समेत स्टोर करना होता है और बाकी तमाम यही रेसिपी है। वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद इसको भी बॉक्स में इसी तरह स्टोर कर लिया जाता है। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।